सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फौजुल इस्लाम और चैनल F11N1 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों पहले तो आप सबको मेरी तरफ से माह रमजान बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह रमजान चल रहा है, इसी के हवाले से आज हम बनाएंगे समोसे। तो चले हम लोग समोसे बनाना शुरू करते हैं। हम लोग पहले लेंगे 1 किलो आलू और उसको हम लोग रखेंगे बॉयल करने, और मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं, तो तब तक हम उसकी डो तैयार कर देते हैं जिसके साथ हम लोगों ने समोसे बनाए। तो चलिए आलू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे 1/2 किलो मैदा, ½ टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून नमक और 5 टेबलस्पून डालेंगे घी। हम उसके अंदर डालेंगे पानी, पानी डाल। दो ऐसी बनानी है ना, वो ज्यादा सख्त हो और ना वो ज्यादा नरम हो। तब हम इसको मिक्स करेंगे और हम इसको ना 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक इसकी फिलिंग रेडी होगी तब तक हम इसको रख देंगे। और पानी ऐड करेंगे, तब हमारी डो रेडी हो चुकी है अच्छी तरह। अब हम इसको रख देंगे 2 घंटों के लिए रेस्ट पे, तब तक हम इसकी करेंगे वो फिलिंग रेडी। अब मैंने आलू बॉईल कर लिया, अब मैं इन्हें मैश करने लगा। मैंने सारे आलू मैश कर लिए अच्छी तरह। अब हम इसके जो है मसाले अब रेडी करेंगे। ये हमारे पास है जीरा 1 टीस्पून, ये हमारे पास है कुटी मिर्चे 1 टेबलस्पून, ये नमक है ये भी 1 टेबलस्पून, ये सूखा धनिया पाउडर है ये भी 1 टेबलस्पून, ये हमारे पास है 1 चम्मच सूखी मेथी है, ये हम लोगों ने धो के रखी है। अब हम इन मसालों को आलू में ऐड करने से पहले हम इनको थोड़े से तेल में फ्राई कर लेंगे, इससे इनका कच्चापन दूर हो जाएगा। फिर हम जो मसाला बनेगा उसके अंदर अपने आलू को ऐड कर देंगे और फिर समोसों की फिलिंग रेडी हो जाएगी। तो चले अब हम इनको फ्राई करते हैं। अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, पर अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ये जो है मसाले सारे हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे और इसके अंदर फिर हम अपनी आलू की फिलिंग ऐड कर देंगे। हमने मसाले अच्छी तरह भून लिया, अब हम इसके अंदर अपने मैश आलू ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर अपने सारे हरे मसाले ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया ये सब्ज़ प्याज और ये धनिया। अब हम इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हमारी समोसे की फिलिंग रेडी हो जाएगी। हमारी समोसों की फिलिंग रेडी हो गई है और अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। समोसों की फिलिंग ले लिया, अब हम इसको साइड पर रख देंगे। और ये हम लोगों ने ये जो है हमारा था डो, उसके हम लोगों ने छोटे छोटे पेड़े करके रख दिए। पेड़े रेडी हैं, अब हम इसको बेल कर इसके अंदर समोसे की फिलिंग ऐड करते हैं। हमने नीचे थोड़ा सा आटा रख दिया था ये मैदा, कि अब ये सही तरह हो जाए बेले जाए। अब हम इसको बेलते हैं। अब हम दूसरे आटे को भी बेलने वाले हैं। ये हमने दोनों अब बेल दिए हैं। अब हम इसके अंदर करेंगे अपने जो है उसकी फिलिंग ऐड, आलूओं की फिलिंग ऐड करेंगे। हमारी ये जो है रोटी तैयार हो गई है, फिर दूसरी हमारी अभी तैयार हो रही है, फिर हम इसके अंदर करेंगे अपनी आलूओं की फिलिंग ऐड। इसकी हम लोगों ने बहुत पतली पतली रोटियां बेलनी है, अब हमारी दोनों जो है रोटियां वो बेली गई हैं, अब हम इनको कट करेंगे। हमने इनको दो दो हिस्सों में काट लिए, अब हम इसके अंदर इनकी फिलिंग ऐड करेंगे और फिर हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। अब हमने इसको फोल्ड कर लिए, अब हम बीच में अपनी फिलिंग ऐड करेंगे और नीचे से इनको बंद कर देंगे, फिर हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। मैं अपनी सारी फिलिंग ऐड कर रही हूं।
अब हमने इसके अंदर अपनी सारी फिलिंग्स ऐड कर दी। अब हम अपने सारे समोसे रेडी करके उनको फ्राई करेंगे, फिर हमारे समोसे खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, पहले हम इस अपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर अपने समोसे डालेंगे। हम लोगों ने अपना पहला समोसा डाल दिया, अभी ऑयल वैसे सही तरह गर्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समोसे डाल रहे हैं। लोगों ने दूसरा समोसा डाल दिया, अब हमने तीसरा समोसा डाल दिया, अभी हमने अपना चौथा समोसा डाल दिया। अब हम इनको अच्छी तरह फ्राई होने देंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब हमारे समोसा रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर हम इसको ट्राई करेंगे। हमने इसको डिश आउट कर लिया, अब इसका थोड़ी देर हम जो है ऑयल उसको निकल देंगे, फिर हम इसको खा के ट्राई करेंगे कैसे बने। हम इसको अब ट्राई करते हैं। हम अपनी चटनी के साथ ट्राई करेंगे। बहुत मजे का। इसको आप लाजमी ट्राई करना अपने घर में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस भी करें और शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।